जिया भी 50-60 मेला ले जाके परमानेंट बटे बिठाओ। 80-90 किलोमीटर थे जिसको बच्चा दिखाने के लिए आ रहे हो, लेकिन थाने फिर भी थाने जान को दे रहा। हां जान को दे। राम राम साहब, मैं हूं थारो मित्र मुकेश और थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। तो आज 26 तारीख है, जिये की सबने पतो है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो को भारत बंद को ऐलान करो गयो। तो बंद के बारे में थोड़ी सी थाने जानकारी देना चाहूंगा कि बंद के मायने जिया वह चीज़ें बताऊंगा के चीज़ें हैं जो कि बंद के मायने है जो को एकदम बंद रहूँगी। तो बंग में जो कि दुकाना है और व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो बंद रहूँगा और लोगों स्वेच्छाओं है जो को आंदोलन के मायने सहयोग करने की या फिर आप कह दें स्वेच्छाओं दुकान बंद करने की है जो को अपील करी गई है जो को अठे हनुमानगढ़ में तो जाम करण लाग रहे हैं। दूसरी बात आप करें तो यातायात पूरी तरह सामान्य है और फैक्ट्रियां कंपनियां है जो कि बंद रहसी। और अब वह चीज़ बताऊंगा जो कि खुली रहसी, पेट्रोल पंप, परचून की दुकान, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर और किताब की दुकान है जो कि खुली रहसी। एक साथ साथ में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जो भी मतलब शादी वगैरह कोई की हो रही है तो वो जा सके। व्यापारिक संगठन है बांगो भी मतलब बहुत सहयोग मिल रहा है, जहाँ व्यापारिक संगठन हो गया, ट्रक यूनियन हो गया, बस यूनियन होगी, रेल यूनियन होगी, तो आंगो भी मतलब है जो को बहुत सहयोग मिल रहा है। और जगह किसान नेता हैं वह लोगों अपील करी है कि बंद के दौरान जो की समस्या होएगी तो बिंगे लिए एक क्षमा वह मांगी है। थोड़ा सा बताओ भाई साहब कहने जा रहे हो? डॉक्टर बच्चे को दिखाने, बच्चा दिखाने जा रहे हो, मतलब मेडिकल इमरजेंसी है। फिर भी मतलब मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी पूछताछ कर रहे हैं। मैं बात करा आंदोलन की तो मेडिकल जो सेवाएं हैं वे चालू हैं, जो मतलब एम्बुलेंस की गाड़ी कौन थी, पर्सनल साधन में आया हो? हाँ पर्सनल। के मतलब बच्चे के क्या तकलीफ हो रही है? बच्चे बुखार उल्टी दस्त हो रही है। तो मतलब हॉस्पिटल जा रहे हो? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? अगन जान को बंद है तो आने से कहो को नहीं गया चीज़ क्या कह भाई मेडिकल इमरजेंसी है तो माने जान दे बोल के बड़े थाना बात करिए हो गए। तो अभी क्या करोगा थे? अरे यहाँ से पुटे जा गिर और कुछ थाना वाला कंजा वहाँ कोई से गांव से आ रहे हो थे? मैं जी कान सर से नौर तहसील। कितनी दूर है नौर से? नौर से आ रहे हो? कान नौर तहसील, नौर है तहसील आगे 80-90 किलोमीटर है। मतलब 80-90 किलोमीटर थे जिसको बच्चा दिखाने के लिए आ रहे हो लेकिन थाना फिर भी थाना जान को दे रहा? हाँ जान को दे। देखो जी हम सुबह से बैरिकेड लगा के बैठे हैं, हर बंदा यही बात कह रहा है कि मुझे बच्चे को दिखाना है, बच्चे को दिखाना है। तो अगर अपने को पता ही है 26 तारीख का बंद है तो अपने हर जगह मेडिकल सुविधा है, गाँव में भी है, पीछे शहरों में भी है, जरूरी नहीं है कि हनुमानगढ़ में ही है। आज आप भी हमारा साथ दो, आपको भी साथ देना चाहिए किसानों का कि आज आप घर पे रहे, दुकानें बंद रखे। जी हाँ, कि थे मेरे पीछे देखने लाग रहे हो जो का किसान भाई है वह धरने पे बैठे हैं, चक्को जाम है जो को कर रखे है, कोई ने भी आवाजाही है जो की बंद कर रखी है। बेनती करांगा मंच से डॉक्टर सौरभ राठौड़ जी को लगातार दिल्ली दे विच अपने लखा किसान साथी अपने उत्थे बैठे डटे हुए, अज 26 तारीख नूं उन्हां नूं उत्थे डटे हुए नूं पूरे 4 महीने हो गए ने, पूरे 4 महीने। 26 नवंबर नूं अपने किसान वीरां ने दिल्ली वास्ते कूच दित्ता सी, अज बंदा बैठे अपने फरवरी मार्च 4 महीने पूरे हो गए। मतलब जी हाँ, मतलब बंगी खुद की इच्छा हुआ है जी की दुकान बंद करी गई है या फिर जबरदस्ती? नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की गई, सबने अपनी इच्छा से बंद की है। जितने भी ये कपड़ा मार्केट है या लोहा मार्केट है, सबके जितने भी अध्यक्ष हैं सबने हमारा समर्थन किया और हमने उन्होंने खुद कहा कि हम अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, कोई भी खुला नहीं है। जैसे देखो सारी मार्केट आप देख लो, कोई इक्का दुक्का कोई खुली रहेगी, किसी का इमरजेंसी है तो अलग बात है, वैसे सारी बंद है। और पुलिस प्रशासन की तो कैसा? पुलिस प्रशासन पूरा साथ दे रहा है हमारा, हमारे साथ है पुलिस प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की शांति से आंदोलन चल रहा है। जी हाँ, के व्यवस्था है जो भी करवा रखी है? ये चाय की व्यवस्था है और लंगर की व्यवस्था है और पानी, पानी जितना भी आ रहे हैं सबके लिए मतलब फ्री है कोई? हाँ जी, सबके लिए वाहेगुरु खालसा और फतेह। जितनी भी संगत जो आ रही है कहीं से भी आ रही है उनके लंगर पानी की व्यवस्था, किसान यूनियन एकता की तरफ से सबसे लंगर उन्हीं के लिए तैयार है।
गुरुद्वारों की तरफ से तैयार है, वो उनको दे रहे हैं सारे के सारे जितने भी आ रहे हैं। मतलब जी एक मैन सहयोग किंग हो आप कैस कहाँ के मिले एक पर्टिकुलर आदमी के बंग हो? नहीं नहीं सर, एक का नहीं, सब संगत का है, ये संगत का जो प्रोग्राम था एक शानों का सब का एक का नहीं है, ये कोई हमारा नहीं, गुरुद्वारे की तरफ हम सेवा कर रहे हैं और जितनी भी सेवादार हैं हमारे वो सब के सब अपने आप तन मन से धन से लगे हुए हैं, सारे सब खुशान है, वैसे भी सब किसान ही से जितना भी सेवा कर रहे हैं बस सारा किसान ही, सब किसान ही हैं। हाँ जी, तो मतलब कोई भी आओ खाओ कोई भी गरीब आ रहा जो भी आ रहा आ जा रहा, गाड़ी वाले आ रहे हैं, इतना आप बात करा के मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, तो मजदूर वर्ग जी उठा के खास का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। आप काला कानून में लिए है, अपने किसान भाइयों की मौत है, अपनी रोटी बिचाण वास्ते ये आंदोलन को जारी रखना है, ये और महंगाई आसमान को छू रही है, वो तो अपन पता है भी हर चीज महंगी होने लग रही है, तो इन्हें भी अपन ई वास्ते भी लड़ना है, आए कानून वास्ते भी लड़ना है, तो एक किसान भाइयों ने मैं अपील करना आई हूँ, क्योंकि मैं आगे नगराना टोल नाके पर जाना है, देवनगर टोल नाके पास आई हूँ, डबली अठान टोल नाके पास एक एक घंटा समझ टोल नाके पर दे रही हूँ, एक किसान की बेटी होने के नाते यहाँ पर कोई पार्टीबाजी नहीं है, तो मैं यही कह रहा किसान भाइयों मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा आप जिया भी समय मिले तीना दो दिन को चार दिन को पांच दिन को जिया जिया समय निकाल के सांझापुर बॉर्डर पर पहुंचो, अपना किसान भाइयों के साथ कंधों किंधों मिलाकर साथ दो, अपन आंदोलन जारी रखो, यहाँ को नहीं लंबो चाल कर आप ढीला पड़ जाओ, तो ढीला ना पड़ो भाइयो, मैं एक महिला हो गए चौथी पांचवी बरिया जान लग रही हो, तो मेरी भी एक शक्ति देखो, अभी भी मेरी तैयारी में जुटी हूँ, जिया भी 50-60 महिला ले जाके परमानेंट बटे बिठाऊ, जब तक आंदोलन खत्म ना हो जब तक मेरी महिला शक्ति, और मैं वहां रुकूंगी भाइयों के साथ रहूंगी, कंधे से कंधा मिला, जय जवान किसान। लगातार इसे वीडियो देखने खातर जलको हनुमानगढ़ चैनल सब्सक्राइब कर लियो और नीचे घंटी को बटन अभी नहीं दबा लियो, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो थाने मिल जावे, और इस वीडियो पर थारी केरा ही बमान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थानी।